नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपकी मार्कशीट्स हो गई, क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, एजुकेशनल मार्कशीट्स होती हैं, वो आप अब व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, सिंपल सा स्टेप है, आप व्हाट्सएप के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ें हम आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों करना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर को आपने अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, जिसको आप माई जी ओ वी के नाम से सेव कर सकते हैं या अगर आप जिस नाम से भी चाहें सेव कर सकते हैं। तो वो नंबर दोस्तों है 9013151515। तो दोस्तों नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 9013151515। तो ये नंबर आपको सेव कर लेना है और न्यू कॉन्टैक्ट में आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए माई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ माई जी ओ वी के नाम से। आप जिस भी नाम से सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। एंड सेव करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको आना है व्हाट्सएप पे। तब दोस्तों क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है जो आपने नंबर सेव किया था। मैंने माई जी ओ वी के नाम से सेव किया था, ये आ गया। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आप नमस्ते करके मैसेज कर सकते हैं या हाय लिख सकते हैं और आपको उधर से रिप्लाई आएगा। मैं अभी हाय लिख के सेंड करता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जैसे मैंने हाय लिख के सेंड किया, उधर से रिप्लाई आया हुआ है, नमस्ते, दिस इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई जी ओ बी हेल्प डेस्क फॉर पब्लिक सर्विस। आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं कोविन वैक्सीन सर्विस एज वेल डॉक्यूमेंट्स लिंक पैन एंड ड्राइविंग लाइसेंस दैट आर ओनली योर डिजी लॉकर। यानी दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप कोविन की जो भी सर्टिफिकेट्स होता है उसको भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं कोविड-19 का। तो कोविड-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए कोविन सर्विस पे आपको क्लिक करना होगा। हमें अभी कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो डिजी लॉकर सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों डिजी लॉकर पे क्लिक करते हैं, मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे मैंने मैसेज सेंड किया, उसके बाद में उधर से रिप्लाई आता है, वेलकम टू डिजिटल डिजी लॉकर सर्विस टू डाउनलोड इशू योर डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें पूछा जा रहा है आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट पहले से है या नहीं है। तो आपके पास है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। मेरा डिजी लॉकर पहले से है तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। ये जैसे यस पे क्लिक करते हैं दोस्तों मैसेज सेंड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेट प्लीज़ इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर पूछा जाएगा आपका, आप अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो डालेंगे। नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड के साथ, उस पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है। कौन सा नंबर एंटर करना है, कौन से नंबर पे OTP आया है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर की लास्ट की 4 डिजिट आ रही हैं। तो जैसे OTP आता है OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद में सेंड पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ये मैसेज चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी आर कंफर्मिंग यस, ये आपका कंफर्म हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मैसेज आ चुका है, थैंक यू, प्लीज़ टाइप 1-4 डाउनलोड योर डिजी लॉकर। अब यहाँ पे दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 क्लिक करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 2, पैन
वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के लिए 3 और रजिस्ट्रेशन व्हीकल जो भी आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए मैं 1 टाइप करता हूँ एंड इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों 1 आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सेंड करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ अ मोमेंट गेट योर डॉक्यूमेंट। ये दोस्तों देख पा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस हमारा आ चुका है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस हमारा PDF में है, आप इसको डाउनलोड करके इसे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों, आसानी से आप WhatsApp पे अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है। इसी तरह से दोस्तों अदर डॉक्यूमेंट्स को चाहिए तो ऑर्डर अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आगे ऑप्शंस आते रहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको सेंड कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने आधार नंबर के थ्रू आप WhatsApp से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है PDF में मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।